ओह माय गॉड, आज कॉलेज का फर्स्ट डे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। क्या, तो इसका मतलब अब हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। बहुत बढ़िया। रिंकी बेटा, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। और थैंक यू सो मच मम्मी। लेकिन मम्मी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं? क्योंकि मेरा घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे फ्यूचर मदर इन लॉ से ऐसी बातें मत करो। आई मीन थैंक यू सो मच, मैं इसे जरूर खाऊंगी। बाय। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता है तुम्हारा कॉमन सा नाम होगा, राहुल। नो, मेरा नाम राहुल नहीं है। हाँ, व्हाटएवर। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को। ओह माय गॉड, तुम कितना गंदा गाना गाती हो। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में कैसी हो? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? जिनके बाल एकदम रेड हो। ओ सच में, मेरे पूरे रेड बाल है। मैं तो पैदा ही रेड बाल के साथ हुई थी। ओ वाओ, सच में? हाँ, और तुम? मेरी हाइट 6'5" है और मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। वाओ, गुड मॉर्निंग। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तो बस में गुड मॉर्निंग बोलना चाहता था। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारे बाल का कलर सच में रेड है? हाँ। तो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता, मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसे लगता है किसी ने पान थूका हो। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कि तुम्हारी हाइट 6'5" है। अरे सच में, मेरी हाइट 6'5" ही है। रिंकी बेटा, कल के लिए सॉरी, ये लो कुछ पैसे, इससे कुछ खा लेना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अपना लंच खुद बना लूंगी। वाह, तुम तो काफी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो अब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? नहीं। मतलब हम मिलेंगे कैसे जब तुम मुझे अपना नाम तक नहीं बताओगे? ओ, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वैसे तुम कहाँ से हो? इंडिया। अरे वाह, मैं भी इंडिया से हूँ। और इंडिया से कहाँ से हो? दिल्ली। अरे वाह, मैं भी वहीं से हूँ। तुम यहाँ के फेमस कैट कैफे में जाते हो? ओ माय गॉड, चुप रहो। तुम जाते हो? अच्छा सुनो, कल स्कूल के बाद हम मिलते हैं, ओके? ठीक है, मिलते हैं। हे, तो क्या तुम आज रेडी हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। रिया, मैंने अपने सोलमेट से झूठ बोला। क्या बोला तुमने रिंकी? मैंने उससे बोला कि मेरे रेड बाल हैं। और यही नहीं, आज मैं उससे पहली बार मिलने वाली हूँ। रिंकी, स्कूल में हेलोवीन पार्टी के टाइम जो तुमने रेड वाला विग पहना था, वही पहन लो। हाँ। अरे यार, थैंक यू सो मच रिया। और तुम इतनी शांत क्यों हो? नहीं तो मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस तो मैं भी हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा। क्या ठीक लग रहा? कुछ नहीं। अरे रिंकी बेटा, आज मम्मी मुझे जाना होगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय रिंकी। अरे आज तो तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट? हाँ, आज मैंने अपना मेकअप थोड़ा डिफरेंट किया है। सिर्फ मेकअप? लेकिन तुम्हारे तो वो, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा सुनो, हमें कहाँ मिलना है? चांदनी चौक के पास आ जाओ। ठीक है। यार तुम कहाँ पे हो? तुमने देखा नहीं, जस्ट तुम्हारे सामने। हेलो, कैसी हो? एक मिनट, क्या तुम मेरी सोलमेट हो? लेकिन तुम्हारी हाइट तो 6'5" नहीं है। हाँ तुम सही बोले, लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली मेरी हाइट 5'11" है। सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम तो झूठे निकले, लेकिन देखो मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसा मैंने बोला था। मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं नर्वस था। तुम लकी हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6'5" एक बहुत बड़ी हाइट है जो कि कम लोग की होती है, लेकिन तुम्हारी हाइट तो 5'11" है। हाँ फिर भी मैं तुमसे लंबा हूँ। तो बताओ अब हम क्या करें? चलो अब हम डेट पे चलते हैं। ठीक है। तो बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्योंकि रेड बाल तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करता है। थैंक यू। एक बात बताओ, अब तो हम एक दूसरे से मिल चुके हैं ना, तो अब तो हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। रिया, मैं अपने सोलमेट के साथ डेट पे आई हूँ, वो तो बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। ओ माय गॉड रिंकी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। मैम सर, आपका ऑर्डर क्या है? हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं, शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम रिंकी है। मुझे पता ही था, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मुझे सच में नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। रिंकी, सुबह से दूसरी लड़की है जिसने बोला कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मैंने बताया तो ये सब मेकअप की वजह से, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट मेकअप किया। एंड प्लीज मुझे बातें नहीं करनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगी? तुमने इस वेटर से काफी रूड तरीके से बात किया। मुझे बस बहुत जोर की भूख लगी थी, और वो तो जिद पे आ गई थी कि वो मुझे जानती है जानती है। ये रहा आपका बिल। मैं पे करती हूँ। नहीं, मैं पे करता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना। लाओ मुझे दो। अरे उस वेटर से इस पे अपना नंबर लिखा है। हाँ लाओ मुझे दो। क्या, अब तो ये गई काम से? तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो, एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। नहीं ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी है? हाँ हाँ चलो ठीक है, लड़ते हैं। हाँ रिंकी, व्हाट द हेक? देखो देखो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला? मेरी बात तो सुनो। तुमने बोला था तुम्हें रेड कलर बाल वाली लड़कियाँ पसंद है, इसलिए मैंने रेड कलर का विग लगाया। लेकिन तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने भी मुझसे झूठ बोला है। तुमने बोला था कि तुम्हारी हाइट 6'5" है, लेकिन तुम्हारी हाइट तो 5'11" है। देखो मेरे झूठ और तुम्हारे झूठ में बहुत फर्क है, मुझे अपना रियल बाल दिखाओ। ठीक है, देखो ये मेरा रियल बाल है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे सामने परफेक्ट लगना चाहती थी। हेलो बाय द वे, क्या है? मैंने अपना फोन नंबर तुम्हारे लिए लिखा था, ना कि तुम्हारे सोलमेट के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें जानती हूँ। खैर थैंक यू मेरा विक खींचने के लिए। यू आर वेलकम। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब तो ये अच्छी बात है ना कि हमें ये एक दूसरे से सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा। नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे काले बाल वाली लड़कियाँ नहीं पसंद है। लेकिन हम दोनों सोलमेट हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता। बाय।